Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss the procedure of hearing assessment. I am Fauzia Wakar. जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो किसी किस्म के हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद है, तो अब ये स्टेज है जब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपने स्टूडेंट की रिहैबिलिटेशन के लिए या अपने बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए कौन से मेजर्स लेने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं. उसमें सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो आपकी हेयरिंग असेसमेंट आ जाती है. और हेयरिंग असेसमेंट में हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन से किस्म का प्रोसीजर जो है वो डिसाइड करना है. तो जो प्रोसीजर्स हैं हेयरिंग असेसमेंट के वो हमारे पास पांच हैं. फर्स्ट वन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं, सेकेंड वन को हम बिहेवियरल टेस्ट ऑफ हेयरिंग कहते हैं, थर्ड वन इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, फोर्थ वन इज स्पीच ऑडियोमेट्री एंड फिफ्थ वन इज टिम्पेनोमेट्री. अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देखना चाहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं क्या और ये किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसके आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप हेयरिंग टेस्ट क्या है. एन ऑब्जेक्टिव हेयरिंग टेस्ट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डैमेज टू द इनर ईयर एंड असेसिंग योर क्वालिटी ऑफ हेयरिंग. ऑब्जेक्टिव हेयरिंग टेस्ट डू नॉट रिक्वायर योर कोऑपरेशन, आर टिपिकली परफॉर्म ऑन न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट. तो इसमें आपकी किसी किस्म की राय की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी किस्म के आपके जवाब की जरूरत नहीं होती है. ये हम आमतौर पर नए बच्चों पर और नए पैदा होने वाले बच्चों पर और छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं. अब जो आपका ऑब्जेक्टिव हेयरिंग टेस्ट है, इसके अंदर आपका ऑटो अकुस्टिक एमिशन है जिसको हम OAE कहते हैं, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स है जिसे हम ABR कहते हैं, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है जिसको हम BERA या बेरा कहते हैं, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स टेस्ट है जिसे हम ASSR कहते हैं, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है, मिडल ईयर टेस्ट है, अकुस्टिक रिफ्लेक्टिव टेस्ट है, स्टैटिक अकुस्टिक मेजर्स हैं एंड टिम्पेनोमेट्री है. अब सबसे पहले हम जो टेस्ट देखेंगे वो हमारा ऑटो अकुस्टिक एमिशन है जिसको हम OAE कहते हैं. अगर हम इसको एलैबोरेट करें, डिफरेंट हम इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास ऑटो अकुस्टिक और एमिशन तीन वर्ड्स आते हैं. ऑटो मीन रिलेट टू ईयर, अकुस्टिक मीन साउंड्स, एमिशन मीन कमिंग आउट, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. सो हम कह सकते हैं कि ऑटो अकुस्टिक एमिशंस आर साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी ईयर्स मींस इन द कॉक्लिया इन रिस्पांस टू अकुस्टिक स्टिमुलेशन. ऑटो अकुस्टिक एमिशन, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑटो अकुस्टिक एमिशंस आर साउंड्स गिवन ऑफ बाय द इनर ईयर व्हेन द कॉक्लिया इज स्टिमुलेटेड बाय साउंड आर मेजर टू द नैरो डाउन टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस. These emissions can be measured by inserting a small probe into the ear canal. The probe measures the sounds produced by the vibration of the outer ear hair cells, which occurs when the cochlea is stimulated. Otoacoustic emission test to check the function of the tiny hairs in the cochlea. ये हमारे cochlea के अंदर जो छोटे बाल मौजूद हैं, hairs मौजूद हैं, इसके इसका function को check करने के लिए किया जाता है. और इसका the faint sound made by hair in response to sound is called otoacoustic emission. अब वो जो छोटी से छोटी आवाज जो है वो हमारे hair cells को respond करती है, हमारे hair cells में जाती है और हमारे hair cells sound को response करते हैं, तो हम उसको otoacoustic emission कहते हैं. ये एक तरह का तरीका है जिसके अंदर हम कॉकलिया के डैमेज को, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ हमें लेकर जाता है, ये उसको चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं. और इस टेस्ट के अंदर जो है वो डॉक्टर क्या करता है कि आपके कान के अंदर एक केयर केनाल के अंदर एक प्रॉप को इंसर्ट करता है जिसके अंदर के थ्रू जो है वो साउंड स्टिमुलेट होती हैं आपके इनर ईयर के अंदर, जिसकी वजह से आपके आउटर हेयर सेल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं. और ये डॉक्टर जो है इस प्रॉप को मेजर करता है आपके कान की एबिलिटी को कि वो कौन सी सॉफ्ट साउंड्स हैं जो वाइब्रेशन यानी एमिशंस के थ्रू आप तक आई हैं, वो उसको चेक करता है, उसको मेजर करता है. और अगर आपका इनर ईयर किसी किस्म का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट मौजूद है. ऑटोकुस्टिक मिशन जो है ये बड़ा बहुत लो लेवल है. इनऑडिबल साउंड्स प्रोड्यूस बाय आउटर सेल्स ऑफ द इनर ईयर. OAE कैन ईदर ऑक्यूपाई स्टिमुलसली इन रिस्पॉन्स टू क्लिक और टोन्स व्हेन द हेयर सेल्स ऑफ द इनर ईयर आर स्टिमुलेटेड. दे रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड बाय सेंडिंग एन इको बैक टू द आउटर ईयर.
अब क्या करता है ये ऑटोकोस्टी कमीशन, जब आपकी कान के इनर ईयर के अंदर आपके केनाल के अंदर प्रॉप इंसर्ट की गई है, तो उसने एक साउंड जनरेट की है, और ये साउंड जो है वो आपके कॉकलिया को जाकर हिट हुई है, और उस कॉकलिया हेयर सेल्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को भेजी है, और फिर ब्रेन ने एक इको जो है वो आपको रिवर्स बैक की है आपकी प्रॉप की तरफ जो कि आउटर ईयर के अंदर मौजूद है। और अब ये जो इको है बेसिकली ये एनालाइज होती है, ये रिकॉर्ड होती है, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो पेशेंट है वो हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद है या नहीं मौजूद है। OER यूजुअली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग कॉकलिया, बट मे बी एब्सेंट इफ अ माइल्ड कंडक्टिव और कॉकलियर हेयरिंग लॉस एग्जिस्ट। अगर नॉर्मल है तो वो उसके ऊपर जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन अगर वहाँ पर आपके कोई किसी किस्म के कॉकलिया के अंदर इशू मौजूद है तो इट्स मीन कि वहाँ पर माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मौजूद है या कॉकलियर हेयरिंग लॉस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ऑडिटरी ब्रेन स्टैम्प रिस्पॉन्स, जिसको हम ABR कहते हैं। द ऑडिटरी ब्रेन स्टैम्प रिस्पॉन्स टेस्ट गिव एन ऑडियोलॉजिस्ट डेटा अबाउट द इनर ईयर एंड द ब्रेन पाथवे नीडेड फॉर द हेयरिंग। अब हेयरिंग के लिए जिस दो चीज़ों की हमें ज़रूरी है, ईयर की और ब्रेन पाथवे की, यानी इनका क्लियर होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होते हैं तो इट्स मीन कि यहाँ पर किसी किस्म का हेयरिंग लॉस मौजूद है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या है जी, इलेक्ट्रोड जो है वो आपके हेड के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं, जो कि आपकी ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ऑडिटरी ब्रेन स्टैम रिस्पॉन्स ABR टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू द साउंड, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द हेड टू मेजर द ब्रेन वेव्स। An audiologist may perform this test to gain more information about your hearing sensitivity. The audiologist places a few electrodes on your head which will measure how the hearing nerves respond to the sound made through the earphones. The information travels from the electrodes to the computer that will record the results. The audiologist will review the data and look for the softest intensity in specific frequency range at which your hearing nerves respond. During this test, three small electrodes are placed on the baby's head and then click a tones are played into the little headphones placed over the baby ears. The equipment measures the brain response to these sounds. This test does not measure what a baby can hear. Rather, it determines the sound to which baby brain actively respond. This test takes only a few minutes and can be done while a baby is sleeping. सबसे पहली बात ABR टेस्ट की ये है कि जी बच्चा जो है वो सोया हुआ होगा, और सोए हुए बच्चे के सर के ऊपर जो है वो आप तीन किस्म के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसके सर के ऊपर लगाएंगे, और फिर आप हेडफोन उसके कानों पे लगाएंगे और वहाँ से आप टोन देना शुरू करेंगे। और ये जो टोन है ये मैयर होती है आपके ब्रेन रिस्पॉन्स, और जो इक्विपमेंट है वो आपके ब्रेन रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेगा जो कि आपको साउंड के थ्रू आया है। और ये टेस्ट जो है वो ये नहीं बताता है कि बच्चे ने क्या सुना, बस ये बताता है कि आपके ब्रेन ने उस आवाज़ को रिस्पॉन्ड किया है, और इसके अंदर जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करने में हमें कुछ मिनट लगते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये टेस्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और इसके अंदर भी हम हियरिंग एबिलिटी को जो है वो एवेल्युएट करते हैं। Two young children's traditional audiometric testing. Most children are referred for the ASR after newborn hearing screening in hospital, indicates that possibility of hearing loss. Early intervention strategies such as hearing devices or cochlear implantation are necessary for the development of speech and language skills in which child with hearing impairment. The results obtained from the ASR testing can be used to estimate the behavioral pure tone audiogram. This information is essential in the management of the children's hearing loss. The person being testing must be quiet and still in order to obtain reliable ASR results. Often this testing is performed under the sedation or natural sleep. If the person is under 6 months of the age, results are obtained by measuring brain activity while the person listens to tones of varying frequencies, pitch and intensity. हम इसको कहते हैं कि ये हमारा near to pure tone audiometric test है। इसके अंदर भी हम दो चीज़ों को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आ जाती है,
और इस फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को चेक करने के लिए जो है वो पेशेंट का जो है वो नेचुरल स्लीप सोना जो है वो जरूरी है, और बच्चा अगर नेचुरल स्लीप सोया हुआ है तो हम उसके थ्रू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटीज की साउंड्स देकर, टोन्स देकर हम उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। द ब्रेन एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड यूजिंग इलेक्ट्रोड टेप्ड ऑन द फोरहेड। अब इसके दौरान जो है वो आपके कान के पीछे और आपके फोरहेड के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि जी आपकी पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन को जो है वो शो करता है, और रिजल्ट जो है वो स्टेटिस्टिकली फॉर्मूलाज के साथ जो है वो डिटर्मिन करता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंस है या एब्सेंट है। इसी तरह जिस तरह हमारा ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, थ्रेशहोल्ड इज डिटरमिन, इसके अंदर भी थ्रेशहोल्ड जो है वो हमारा डिटरमिन किया जाता है। एज द लोएस्ट लेवल एट द ईच फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज हम चेक करने जा रहे हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्स हमें रिक्वायर्ड है उसके लोएस्ट लेवल को जो है वो डिटरमिन करता है। ASS प्रोवाइड एन एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक एस्टीमेट ऑफ द बिहेवियरल क्यूटोन ऑडियोग्राम। नेक्स्ट टेस्ट इज इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। Electrocochleography test is an objective measure of electrical potential generated in the inner ear as a result of sound stimulation. This test is most often used to determine if the inner ear cochlea has an excessive amount of fluid pressure. Excessive fluid pressure in cochlea can cause symptoms such as hearing loss, oral illness, dizziness, or tinnitus. These symptoms are sometimes indicate of certain ear pathologies such as the Meniere disease or endolymphatic hair hydrops. The echo takes up 40 minutes to complete. A patient undergoing an echo test will have several surface electrodes placed on the head. A tiny microphone and an earphone will then be inserted into the canal of the test ear. The patient will be instructed to relax while they listen or to clicking sound. It is very important that the patient be relaxed for this test, since any tension or muscles movement can slow down the average process. No response from the patient is required for this test. While the patient is listening to the clicking, the audiologist will measure the echo response with a computer that uses signal filtering and averaging to isolate neural activity from the cochlea. An audiologist will collect several responses from the ear and will look for the presence of the large waveform, which contains two components, the symmetric potential SP and action potential AP. Both of these waveforms components are direct result of providing sounds stimulation to the cochlea. A calculation of SP and AP ratio is made. An increased SP and AP ratio can indicate excessive fluid presence, pressure in the ear. Now time to learn about middle ear test. Middle ear test, to determine how the middle ear is functioning, an audiologist will get measurements such as auto-reflexive measures, static acoustic measures, and tympanometry. During a middle ear test, the audiologist pushed air pressure into the canal, causing the eardrum to vibrate back and forth. Impedance test. These are the tests which determines the functioning of the middle ear. It takes only 3 to 30 seconds per ear. It may be also referred to the impedance testing, which include tests are called acoustic reflexes or tympanometry. In this type of evaluation, eardrum mobility is measured under different pressure conditions to determine if any problem exists in the middle ear. So basically, ये जो test है impedance testing, ये आपका middle ear का test है, और इसके अंदर जो है वो एक कान को check करने में आपको 3 से 30 seconds लगते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी तरफ से किसी किस्म का response required नहीं है, वो automatically generate होगा, और ऑटोमेटिकली जनरेट होने के बाद वो रिकॉर्ड होगा। अब अकुस्टिक रिफ्लेक्स मेजर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द हियरिंग इश्यूज। और अकुस्टिक रिफ्लेक्सिव इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिडिल ईयर व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू द लाउड साउंड। टेस्ट फॉर अकुस्टिक मेजर्स इनेबल्स एन ऑडियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई अ परफोरेटेड ईयरड्रम एंड चेक द ओपनिंग ऑफ द ईयर वेंटिलेशन ट्यूब्स। अकुस्टिक रिफ्लेक्सिव मेजर्स टेस्ट लोकेट्स द पॉसिबल
location of the hearing impairment. This impairment hearing test uses sound to determine if an acoustic reflex is working properly, depending on the loudness of the sound and your acoustic reflex or lack of acoustic reflex. The audiologist will able to assess the severity of your hearing loss. Static acoustic measures. This test measures how much air is in the ear canal. This test help shows if there is a hole in the eardrum. Some people have tubes put in their eardrums to help stop ear infections and hearing loss. It can also tell if you have fluid behind the eardrum. तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये मेजर किया जाता है कि आपके एयर केनाल के अंदर एयर कितनी मौजूद है और एयर केनाल में इंफेक्शन मौजूद है, हियरिंग लॉस है या ईयर ड्रम के पीछे किस किस्म का ट्यूब मौजूद है. तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिक अकुस्टिक मेजर्स के थ्रू हम तक पहुंचती है. स्टैपिडियस रिफ्लेक्सिव टेस्ट. In this test, the air is subjected to the loud noise. In healthy air, it results in a contraction of both middle ear muscles that leads to a stiffening of eardrum. This tension can be measured and unexpected value can indicate damage to the middle ear. ये भी आपका middle ear test का एक type है और इसके अंदर जो है वो आपकी ear drum की stiffness क्यों जो कि आपके ear muscles की वजह से आ रही है उसके बारे में चेक किया जाता है. अब द पैनोमेट्री देख लेते हैं जी.